Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है अपना एक एक कदम बढ़ाते हुए सफलता की ओर अग्रसर हैं, और आप लोग भी जो है हमारे साथ बने रहिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा इसको अगर वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो लाइक किया कीजिए और इसको शेयर किया कीजिए। तो हम लोग जो है समांतर श्रेणी का आज आखिरी पार्ट पढ़ रहे हैं, और इसमें जो है आपको क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 जो बचे हुए क्वेश्चन है इस समांतर श्रेणी के, आज पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक, तो अगर उधर आप जो है आप हमारी फिजिक्स की क्लास नहीं देख रहे तो उसको भी देखिए, नोट्स के साथ साथ वो भी बताई जा रही है, पूरा नोट्स आपको दिया जाएगा। और बोर्ड एग्जाम का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको हमारी नोट्स से न मिले। ठीक, तो अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं, फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। चैनल पर जाएंगे, वहाँ लास्ट में जो है अबाउट में जब जाएंगे तो वहाँ नीचे आपको पेज मिल जाएगा। तो चलिए आज हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर पहले दिन के लिए जो है 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात अपने से ठीक पहले जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। मतलब क्या हुआ कि अगर पहले दिन काम किया जाता है तो उसे 200 रुपए दिया जाएगा, फिर अगर एक दिन का विलंब करेगा तो 250 रुपए, फिर अगर दूसरे दिन विलंब करेगा 300 रुपए, फिर अगर विलंब करेगा 350 रुपए, इसी तरह जो है लगना है। भाई जुर्माना जो लग रहा है, जुर्माना हमारा 50 रुपए लग रहा है, कह रहा है 30 दिन का विलंब कर देता है। तो 30 दिन का विलंब कर देता है मतलब एक दिन का विलंब, दो दिन का विलंब, तीन दिन का विलंब, चार दिन का विलंब, इसी तरह डाट डाट 30 दिनों तक। ठीक, तो ये चीज है। तो हमको क्या याद करना है, लिखा है कि वह जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करेगा, जुर्माने के रूप में वह कितनी राशि अदा करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको 30 दिन का निकालना है, यानी कि यस 30 हमको निकालना है। ठीक, वही फार्मूला पुराना वाला, यस एन बराबर एन बटे दो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला हमको लगाना है। तो a का मान जो पहला है ये हमारा a हो जाएगा, a बराबर 200, और d बराबर हो जाएगा 250 माइनस 200, यानी कितना रुपए, 50 रुपए। ठीक, तो अब देखिए हमको a का मान दिए हैं, d का मान दिए हैं, n का मान 30 दिए हैं, 30 दिनों तक, इसका मतलब n बराबर 30 दिया गया है। तो हमको निकालना क्या है, यस 30 निकालना है। यस 30 बराबर 30/2, यही फार्मूला है 2a, और a का मान कितना है 200, 2 इंटू 200 और प्लस n, यानी कि 30 माइनस 1, और इंटू डी, डी का मान कितना है 50। ठीक, अब आगे चलते हैं, बराबर 15 × 30 15 हो जाएगा, 2 × 400 और प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 आ जाएगा, 29 इंटू 50, या फिर क्या हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा 400 और प्लस 29 इंटू 50 करेंगे तो 5 × 45 की 5 हंसी लगे 4, 5 × 10 = 1450 आ गया। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 1450 और प्लस 400, तो 14 × 4 = 1850 आ गया। अब यही सॉल्व कर लीजिए तो 15 × 0 = 15×75 की 5 हंसी लगे 7, और 15 × 8 = 120, 7 × 127 हंसी लगे 12, 15 × 1 = 15 और 10 × 25 = 27, यानी कि 27,750 रुपए उसको जुर्माने के तौर पर दिया जाएगा। तो ये चीज है, ऐसे ही हमको लगाना है। कहीं समस्या हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई है। ठीक, नगद पुरस्कार के लिए ₹700 की राशि रखी गई है। फिर आगे क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम हो, ठीक ₹20 कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो राशि है वो कितनी रखी गई है, ₹700 रखी गई है। टोटल पुरस्कार की राशि 700 रखी गई है, मतलब कि भाई इनको दिया गया, 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 इनको 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 जब सबको दे दिया गया, टोटल किया गया तो टोटल कितना रुपए हुआ, ₹700 हुआ। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम हो, अपने से पहले पुरस्कार से 20 कम हो, अगर हम माने कि पहले व्यक्ति को ₹100 पुरस्कार दिया गया, क्या माना पहला पुरस्कार बराबर यक्ष, अगर पहला पुरस्कार ₹100 है तो ये बताइए कि दूसरा पुरस्कार क्या होगा। उसमें कह रहा है कि प्रत्येक पहला वाला पुरस्कार जो दूसरा पुरस्कार है वो पहले से 20 कम होगा, अर्थात अगर ये यक्ष है तो दूसरा हमारा क्या होगा, यक्ष माइनस 20 होगा। तीसरा क्या होगा, इससे 20 कम होगा, भाई ये इससे 20 कम, फिर ये इससे 20 कम, तो हो जाएगा यक्ष माइनस 40। फिर क्या होगा, फिर ये वाला इससे 20 कम, यानी कि यक्ष माइनस 60। इसी तरह डाट डाट आपका होना है, कितने पदों तक जाना है ये हमको नहीं पता है, दिया गया है नहीं दिया गया है, अच्छा हाँ दिया गया है। कह रहा है कि 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 राशि रखी गई है, तो और सभी जो है कम है, तो 7 पुरस्कार उसमें दिया गया है, 7 पुरस्कार देना है हमको, तो चलिए 7 देते हैं, 1 2 3 4 यक्ष माइनस 60 20 80, फिर यक्ष माइनस 100, फिर यक्ष माइनस 120, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पुरस्कार हो गया। उसमें कह दिया है कि 7 पुरस्कार देता है, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर 7 दिया गया है आपको, और यस n बराबर दिया गया है कितना, 720 ही है ना, ₹700 राशि दी गई है, तो यस n बराबर 700 है आपका और n बराबर 7 है। ठीक, तो हमको निकालना क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, ये जो प्रत्येक पुरस्कार है इसी का मान हमको ज्ञात करना है, इसका मतलब यक्ष का मान अगर मिल जाए, यक्ष का मान मिल जाए तो प्रत्येक पुरस्कार का मान मिल जाएगा। तो चलिए यक्ष का मान निकालते हैं, यस यन बराबर यन बटे दो, ठीक, ए प्लस यन वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि प्रथम पद और अंतिम पद हमको दिए हैं, तो चलिए यस यन कितना दिया गया है, 7, यन का मान कितना है, 7/2, ए का मान कितना है, यक्स, यल का मान कितना है, यक्स माइनस 120। कहीं समस्या हो कमेंट कीजिएगा, 7 × 9 = 7 और 7 × 9 = 7, 100 × 200 = 1 × 2 x - 120। तो यहां से अगर हम निकालें तो 2 x = ये माइनस 120 इधर आ जाएगा, तो 200 और +120, तो यक्स बराबर 2 × 320/2, तो 2 × 9 = 2 और 2 × 6 = 12 0, यानी कि यक्स का मान आ गया हमारे पास कितना, यक्स का मान आ गया 160, और चूंकि ये रुपए है इसलिए 160 रुपए। इसका मतलब कि पहला पुरस्कार कितना हो गया, पहला पुरस्कार हो गया हमारा 160 रुपए, दूसरा पुरस्कार 160 रुपए में से 20 रुपए कम कर दीजिए, 140 रुपए, तीसरा पुरस्कार इससे 20 कम यानी कि 120, फिर 100 रुपए, फिर 80 रुपए, फिर 60 रुपए, फिर 40 रुपए, ठीक, तो
इसी तरह एक एक कर्म होता रहेगा, सात गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यही आ जाएगा आपका आंसर। कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार की राशि बताइए, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी, 160, 140, 120, 180, 60, 40, यही आ जाएगा आपका आंसर। कहीं समस्या हो तो कमेंट कीजिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब कक्षा एक वाले एक पेड़, कक्षा दो वाले दो पेड़, कक्षा तीन वाले तीन पेड़, कक्षा चार वाले चार पेड़, कक्षा पांच वाले पांच पेड़, कक्षा छह वाले छह पेड़। इसी तरह प्रत्येक कक्षा का जो रहेगा वो अपनी कक्षा की संख्या के अनुसार पेड़ लगाएगी। आगे पढ़ते हैं तो लिखा गया है कि इत्यादि ऐसा कक्षा आठ तक, कितने तक, कक्षा 12 तक है, कक्षा 12 तक के लिए चलता है। कितने तक के लिए, 12 तक के लिए चलता है। तो प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग हैं, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी होगी। तो चलिए, प्रत्येक कक्षा का तीन अनुभाग है, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। कक्षा एक का तीन सेक्शन, कक्षा दो का तीन सेक्शन, कक्षा तीन का तीन सेक्शन, कक्षा चार का तीन सेक्शन, कक्षा पांच का तीन सेक्शन, हर क्लास का तीन तीन सेक्शन है। तो चलिए हम देखते हैं कि पेड़ कितने लगेंगे। पेड़ तो हम अगर जो है, देखिए आप लोग अगर नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स के लिए हम बता दे रहे हैं कि सबसे पहले मानेंगे कि कक्षा कक्षा एक के लिए पेड़, कक्षा एक के लिए पेड़ कितना होगा भाई, तीन सेक्शन है और कक्षा एक को एक पेड़ लगाना है तो तीन हो जाएगा। फिर कक्षा दो के लिए पेड़ कितना हो जाएगा, तीन सेक्शन है और कक्षा दो वालों को दो पेड़ लगाना है तो तीन दूनी छह हो जाएगा। कक्षा तीन के लिए क्या हो जाएगा, तीन तो रहेगा ही और तीन के लिए तीन पेड़, तरी तीन त्रिका नौ। इसी तरह जो है कितने लोग हैं, कक्षा 12 तक है तो कक्षा 12 के लिए जो हो जाएगा हमारा कितना, 3 × 12 = 36 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज है, आपको समझ में आ गई होगी। कक्षा एक वालों को एक पेड़ लगाना है और तीन सेक्शन है इसलिए 3 × 1 पेड़ हो गया। कक्षा दो वालों को दो पेड़ लगाना है, तीन सेक्शन है तो 2 × 3 हो गया। फिर कक्षा तीन वालों को तीन पेड़ लगाना है, तीन सेक्शन है तो 3 × 3 हो गया। कक्षा चार वालों को चार पेड़ लगाना है, तीन सेक्शन है तो 3 × 4 हो गया। तो उसी तरह जो है 12, कक्षा 12 वालों को 12 पेड़ लगाना है और 3 × 12 = 3 हो गया, 36 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चलते हैं, यानी कि 3, 6, 9, 36। ठीक, ये चीज है, इतने पेड़ लगा है। तो अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कुल टोटल कितने पेड़ लगे हैं, मतलब यशयन निकालना है। और यह कमान कितना है भाई, कक्षा 12 तक है ना, तो यह कमान कितना है, 1, 2, 3, 4 इसी तरह लेकर 12 तक है, यानी कि यन बराबर 12 दिया गया है आपको। और ए कमान कितना है, 3 है, और यन कमान कितना है, 36 है। तो चूंकि हमको पता है यशयन का फॉर्मूला जो ए और यन के पद में हो, तो यशयन बराबर यन बटे 2 ए प्लस यन, तो यन यन का मान है 12/2 और ए ए का मान है 3 और प्लस यन का मान है 36। तो ये हो जाएगा 2×6 = 12 और 36 × 3 = 39। तो 6, 9, 54 लेकिन 5 × 6 = 18, 5 × 8 = 13, 234 पेड़। इसका मतलब कि पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 234 पेड़ आपके लगेंगे। कहीं समस्या हो तो बताइएगा। इसमें केवल इतना ही देखना था कि कक्षा एक वालों के लिए एक पेड़ लगाना है, तीन सेक्शन है इसलिए 3 × 1 किए हैं, दो के लिए दो पेड़ 3 × 2 तो वही किए हैं। कहीं समस्या हो तो बताइएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डाटा वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आकृति आप देख रहे होंगे, ठीक। तो उसमें देखिए है क्या आकृति, कैसे है आकृति में बना देता हूं, ठीक, आपके फिगर में बना होगा। क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है कि ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, मतलब पहले ए को लेंगे, फिर बी को लेंगे, फिर ए को लेंगे, फिर बी को लेंगे, इसी तरह हमको लेना है। और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या ली गई है देखिए, 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसी तरह डॉट डॉट त्रिज्या हमारी ली गई है। तो आगे देखिए क्या कह रहा है कि जैसा कि आकृति में लिखा है, तो 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की लंबाई क्या होगी। तो इसी तरह डॉट डॉट कितने तक होगा, 13 पदों तक, 13 पदों तक। ये आपको क्या दिया गया पता है, ये आपको त्रिज्या दी गई है। क्या दी गई है, त्रिज्या आपको दी गई है कि पहले वाले की जो यलवन खींचा गया है, जो यलवन दिख रहा है इसकी त्रिज्या 0.5 है, यल2 जो दिख रहा है इसकी त्रिज्या 1 है, यल3 जो दिख रहा है इसकी त्रिज्या 1.5 है, L4 जो दिख रहा है इसकी त्रिज्या 2 है, इसी तरह L5 यहाँ ऊपर बनता वो हमारा होता 2.5। तो इसी तरह जो है बनता जाता कितने पद तक, 13 पद तक। तो हमको निकालना क्या है, कह रहा है कि सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमको क्या ज्ञात करना है, हमको इसी की लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई मतलब क्या हुआ, हमको परिधि निकालनी है। क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है। और किसकी परिधि निकालनी है, अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है। किसकी, अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है। हमको ये तो पता है कि वृत्त की परिधि होती है 2πr। अगर एक वृत्त ऐसे है और इसकी त्रिज्या r है तो इसका जो परिधि का फार्मूला होता है वो होता है 2πr। लेकिन चूंकि आधा वृत्त है तो आधे वृत्त की परिधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी πr। तो जब इसका फार्मूला बनेगा आपका परिधि की लंबाई की, इसका मतलब है कि पाई आर वन पहले वाली त्रिज्या प्लस पाई आर टू प्लस पाई आर थ्री प्लस पाई आर फोर प्लस डॉट डॉट इसी तरह कितना, 13 पदों तक, यानी कि पाई आर 13 तक, 13 पदों तक हमको दिया गया। तो चलते हैं, पाई पाई सब में है ना, पाई सब में है, पाई अगर हम कॉमन ले लें तो आपका आर वन प्लस आर टू, अगर इसको मान रखें आर वन का, ये 0.5 आर वन है, 1 आर टू है, ये आर थ्री है, आर फोर है, इसी तरह यानी कि 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 13 पदों तक। ये चीज है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यस 13 निकाल लेना है, यस 13 निकाल लेना है और ये पाई भी लिख लेना है, ठीक। तो आपका अगर जो है यस 13 निकालेंगे तो पाई, ये चीज है। तो सबसे पहले यस 13 निकालते हैं, यस 13 निकालने के लिए हमको पता है कि एन बराबर दिया गया है 13, ए बराबर दिया गया है 0.5, ठीक,
ए बराबर कितना दिया गया है 0.5 और डी का मान कितना दिया गया है, देखिए 0.5 से क्या हो गया एक हो गया, मतलब डी का मान भी दिया गया है 0.5। तो सबसे पहले यस 13 निकालेंगे, 13/2 दो ए और ए का मान है 0.5 और प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 0.5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 13/2 दो पंचे 10 यानी कि 1.0, 13 में से एक गए 12, 12 पंचे 60, 6.0। तो यह हो जाएगा कितना 6 × 1 = 7 और 13 × 7 = 98 यानी कि 98/2। तो 98/2 करेंगे तो 2 × 4 = 8 और 2 × 9 = 18 यानी कि यस 13 का मान हमारा कितना आ गया, यस 13 का मान आ गया हमारा 49, कितना आ गया 49 आ गया। ठीक, एक बार देख लीजिए आपने सही किया है नहीं, 13 में से एक गए 12 और 12 × 5 = 60, 6 हो गया और 2a, a का मान है 0.5 तो 0.5 किए तो ये हो गया हमारा इतना। ठीक है, आगे देखिए यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि 1.0 देखिएगा, तो इसमें थोड़ा सा गलत कर दिया आप लोग, 13/2 × 6 = 7 13/91/2 होगा ये, तो 2 × 8 = 19 और 2 × 5 = 10 और 5 यानी कि आपका जो आएगा वो कितना आएगा 45.5 आएगा। ठीक, 45.5 आएगा ये और 45.5 आपका ये हो गया, फिर ठीक है तो इसको आप या तो ऐसे ही रहने दीजिए 91/2, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहां से देखते हैं, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और इंटू ये हो जाएगा 91/2, तो 7 × 7 = 7, 13/7 = 91, 2 × 1 = 2, 11 × 2 = 22, तो 13 × 13 = 13, 3 × 13 = 14, 143 आ जाएगा आंसर। देखिए यहीं पर थोड़ा समस्या होगी आपको, इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब क्योंकि मैं समझाता रहता हूं तो समझाना और गुणा करना दोनों करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो जाता है, आप लोग करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठा, सबसे नीचे देखा, सबसे नीचे मतलब पहली पंक्ति में अगर 20, फिर दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति में 20, दूसरी पंक्ति में 19, तीसरी में 18, फिर 17, इसी तरह रखा गया है 20, 19, 18, 17 इसी तरह रखा गया है। कह रहा है कि ये 200 लठ की पंक्तियों में रखे गए हैं, 200 पंक्ति की लठ मतलब कि यन बराबर आपको दिया गया कितना 200, कितनी पंक्ति है 200 पंक्ति है यानी कि यन बराबर कितना है, क्या कह रहा है 200 लठ कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, 200 लठ यानी कि यस यन दिया गया है कि टोटल आपके पास 200 लठ है और हमको यन का मान निकालना है। तो ए का मान है 20, डी का मान है -1, ठीक, ए का मान है 20, डी का मान है -1, यन बराबर निकालना है, यस यन बराबर 200 दिया गया है, हमको पता है कि यस यन बराबर यन बटे 2, 2a + n − 1 × d, यही फार्मूला लगेगा, सारा मान दिए हैं, इसको हल करके आप उत्तर कमेंट में बताएंगे। ठीक, कहीं समस्या नहीं है, यही कह रहा था कि पहली पंक्ति में 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, इसी तरह कितनी पंक्ति में रख दिया जाए कि लठ कितने हो जाए 200, तो चूंकि टोटल योग हमको 200 दिए हैं, सारा मान दिया गया है, हल कर लेंगे आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है और जो कि पहले आलू से 0.5 मीटर की दूरी पर है। भाई एक बाल्टी है, ठीक,
0.5 मीटर पर एक आलू रखा है पहला आलू, फिर 0.5 मीटर पर है, 0.5 नहीं है, 5 मीटर पर है पहला आलू, फिर अन्य आलू सीधी रेखा में 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। पहला 5 मीटर पर है, उसके बाद फिर 3 मीटर पे दूसरा, फिर 3 मीटर पे तीसरा, फिर 3 मीटर पे चौथा, फिर 3 मीटर पे पांचवा। ठीक, कितने आलू रखे हैं? रखे हैं 10 आलू रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, 10 आलू रखा गया है। क्या कह रहा है कि इसमें करना क्या है कि प्रारंभिक रखी हुई आलू रखे गए हैं। ठीक, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, समझिएगा, बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाता है, उसे बाल्टी में डालता है, फिर जाता है दूसरा आलू उठाता है, फिर उसे बाल्टी में डालता है, फिर जाता है तीसरा आलू उठाता है, फिर उसे बाल्टी में डालता है, फिर चौथा उठाता है, फिर बाल्टी डालता है, पांचवा उठाता है, बाल्टी डालता है, यही करता है। तो चलिएगा, सबसे पहले मान लीजिए आप जो है आलू उठा रहे हैं, पहली आलू उठाएंगे, इसको उठा के यहां लाए डाले, कितनी दूरी चले? 5 मीटर चले कि नहीं? पहली आलू लाने के लिए आप 5 मीटर चले, यहां से ये आलू बाल्टी में डालेंगे 5 चलेंगे ना, 5 लिख दिए। फिर आप यहां से गए, कहां गए? इसके पास गए, कितना चल के गए? 5, ये 3, ये 8 चल के गए, 5 प्लस 3 चल के गए कहां? यहां पर। समझिएगा, पहले आप यहां गए और यहां से आलू लेके आए, तो मतलब कि हम कहां गए? यहां से यहां तक गए और आलू लेके आए। ठीक, ये चीज हो गई। फिर दोबारा देखिए, यहां से यहां तक गए, दोबारा दूसरी बार कहां से कहां तक गए? यहां से यहां तक, यानी 5 प्लस 3। फिर देखिए, तीसरी बार जब जाएंगे तब कि यहां से यहां तक जाएंगे, 5 प्लस 3 प्लस 3। ठीक, फिर चौथी बार जब जाएंगे तो यहां जाएंगे, यानी 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। इसी प्रकार हम जाते चले जाएंगे। लेकिन ये बताइए, हमने जाने का तो गिन लिया कि भाई ये यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां आएंगे, यानी कि एक दूरी दो बार चली जा रही है, ध्यान समझ रहे हैं? यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां आएंगे। भाई ये आलू जैसे हमको यही मार्कर है, ध्यान समझिएगा, ये मार्कर मान लीजिए यहां पे है, मैं यहां पे हूं, मैं यहां से गया ये मार्कर लेने, मार्कर लिया, फिर यहां पे आ गया, एक हो गया, फिर दूसरा मार्कर और दो रखा है, फिर मैं गया, फिर मैं आया। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक बार जा रहा हूं, एक बार आ रहा हूं, यानी दो बार जा, दो चक्कर मार रहा हूं। तो इसीलिए इसमें क्या करेंगे, दो से गुणा कर देंगे। समझ में आया कि दो से गुणा क्यों किए? क्योंकि हम दो बार, दो चक्कर लगा रहे हैं, एक बार जा रहे हैं और एक बार आ रहे हैं, तो बस यही चीज है। तो इस दो से कोई मतलब नहीं, लास्ट में गुणा कर दीजिएगा, अर्थात 2 × यस यन कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी दूरी चली। और यस यन के लिए ए बराबर 5 दिया गया है, ठीक, डी बराबर 5 प्लस 3 माइनस 5, यानी कि डी का मान 3 दिया गया है और यन बराबर दिया गया है 10, क्योंकि 10 आलू है, सारा मान दिया है। तो 2 × यस यन का फॉर्मूला, यन बटे 2 a + n - 1 × d, ये इसी में मार रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये काम आपका है, ये दोनों क्वेश्चन आपको हल करने हैं, उसके बाद कहीं समस्या होती है तो आप लोग बताइएगा। आज आपका ये चैप्टर खत्म होता है, अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा त्रिभुज, जो कि आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा, त्रिभुज पूरा विस्तार से समझाया जाएगा। आप लोग अपनी मैथ्स की नोट्स बनाते रहिए और उधर फिजिक्स की नोट्स बनाते रहिए, दोनों सब्जेक्ट आपका एकदम कंप्लीट कर दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।